देखना, ये देख भाई, इनको तो प्लास्टिक सर्जरी इवन मेकअप की भी जरूरत थी। इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां है, कोई भी ऐसा मतलब कि ऐसे लग रहा है जैसे हूर से परी उतर के आई है। इतनी हाँ सुंदर सुंदर लड़कियां है, बहुत सुंदर। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम वापस आ गए बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है पठान टिकटॉक टॉक वीडियो। और वीडियोस। आप लोगों को और हमें पठानों के टिकटॉक देखना बहुत ज्यादा पसंद है, और देखते हैं कि आज वाली पठान टिकटॉक में क्या होने वाला है। और हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं नई नई टिकटॉक लेकर हाँ आए आप लोगों को पठानों की। तो देखते हैं ये वाली कैसे होने वाली है। सो फिर आप भी देखिए, चलिए हम मिलके भी देखते देखते हैं, हैं, लेट्स लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। वाओ, कितनी प्यारी ड्रेसेस की और कितनी प्रिंटिंग है, बहुत सुंदर सुंदर लड़की है। वाओ, कितनी प्यारी है, डिजाइन कितनी अच्छी है। मैना जी आज तो बड़ी सोहनी लग रही हो। कोई सोहनी नहीं लग रही, वाओ, कितनी सुंदर सुंदर पठानी लड़कियां है। ये देखना डॉल जैसी नहीं लग रही है, वाओ, बहुत सुंदर। ये देखना, ये देख भाई, इनको तो प्लास्टिक सर्जरी इवन मेकअप की भी जरूरत थी। इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां है, कोई भी ऐसा मतलब कि ऐसे लग रहा है जैसे हूर से परी उतर के आई है। इतनी हाँ सुंदर सुंदर लड़कियां है, बहुत सुंदर। क्या है ये, हुआ? मुझे समझ नहीं आया इसका क्या मतलब है। Are the costumes with the prettiest people the most beautiful costumes? पठान नाम नहीं मेरे जान, क्या ब्रांडी है, सही बात, ब्रांडी है। देखना आंखों से कत्ल कर देती है। वाओ वाओ, शी सो प्रिटी। देखना इसने अपना पूरा सब कुछ, चेहरा पूरा सब कुछ ढक रखा है, तब भी इतनी अट्रैक्टिव लग रही है लड़की। इसके फीचर्स देखो कितने सुंदर, बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि जिस हिसाब से वो क्लोथ शाइन कर रहा है ना, वाओ, इवन दिस चोकर भी वैसे गुजराती वाले हैं। पता है पठानी ड्रेस की सबसे अच्छी खास होती है तो पूरा शरीर ढका हुआ, स्टिल इट्स सो ब्यूटीफुल यार। इनके घर भी लकड़ी वाले, वाह,
अच्छा वर्क हो रखा है ना, विंटेज वाइब। बहुत कमाल की वीडियो थी, बहुत ज़्यादा। और भाई पठान लोग एंड स्पीचलेस यार, मतलब लोगों ने इनको कितने फुर्सत से बनाया है, कितने ज़्यादा फुर्सत से बनाया है। और जो वो लास्ट में वो लड़की वाला दिखाया था, कितनी विंटेज वाइब आ रही थी। वो जो उसकी दीवारें थी है ना, वो प्रॉपर ऐसे वुडन वर्क हो रखा था उसका, तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। और वो जो लड़की थी उसकी ड्रेस भाई, कितनी प्यारी ड्रेस थी। और ऐसा लग रहा था जो वो शाइनी वाला है ना, पहले वो कश्मीरी कलेक्शन जिसने था, उसको देख कर ही ऐसे लग रहा था कि यार जो ये ड्रेस है बहुत एक्सपेंसिव, क्योंकि जिस हिसाब से वो कपड़ा शाइन कर रहा था वो एकदम प्योर लग रहा था। पता नहीं मुझे है ना, मुझे भी वही लग रहा था, सिल्क लग रहा था। बाकी मुझे हमें इतनी नॉलेज नहीं है उसके कपड़ों की, मतलब कि मटेरियल की इतनी नॉलेज नहीं है। तो मतलब लेकिन जो वो दूसरी ड्रेस थी ना यार, वो तो मतलब प्रॉपर मुझे गुजराती वाइब्स आ रही थी, जिस हिसाब से वो गुजराती लोग चोकर पहनते हैं वो भी वैसा ही था। तो बहुत, और वो कपड़ा वेलवेट का था, वो तो वेलवेट था, तो बहुत सुंदर था यार। और मुझे सबसे अच्छा ये जो लगा पठानों का, वो है कि जो औरतों की ड्रेसेस है वो देखो पूरी है ना, मतलब पूरी पूरी पोशाक उन्होंने पहने, स्टिल जो वो औरतें वो इतनी प्यारी, वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, उनके फीचर्स इतने सुंदर है ना, बहुत प्यारी लड़की है। मतलब इतने लंबे लंबे बाल, इतनी सुंदर फीचर्स, मतलब कहते हैं ना, मतलब भगवान ऐसा लग रहा है, खुद बैठ के ऐसे आराम से ड्राइंग करके बनाया उनको, तो बहुत कमाल की है। और जो मोस्टली पठान होते हैं भाई, उनकी स्किन इतनी साफ होती है, इतने गोरे गोरे होते हैं वो लोग, बहुत सुंदर होते हैं भाई पठान। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करें अगर आपने। बाय।